what is the big secret in generating leads and closing? How do you bring down your cost of sales? See, it is very simple. What is happening is all of you who are doing business here, I can guarantee 95% of you are trying to close a deal from the lead. So from lead to deal, that is the journey you are doing, right? लीड से डील करना है आपको, राइट। अब इसमें एक कंपोनेंट और आता है जिसको इफ यू वंस योर मार्केटिंग गेट्स टू द नेक्स्ट लेवल, इट्स दैट फ्रॉम द लीड यू गेट इनटू द डेटाबेस एंड फ्रॉम द डेटाबेस यू गेट टू द डील्स। सो डेटाबेस इज अ प्लेस वेयर यू आर डूइंग द नर्चरिंग। ओके, डेटाबेस इज अ प्लेस वेयर यू आर डूइंग नर्चरिंग। लेट मी सी इफ आई हैव अ फोटोग्राफ फॉर यू गाइस टू हैव अ लुक। So guys, you can see this. Okay, so this is the successful flow of leads, right? What you do, you generate a lot of leads, right? You send that leads into your active data base, right? So that becomes your active data. From there, you get to a token ready kind of a scenario. When I say token ready, what does that mean? Token ready in case of properties, if you're talking about properties, if you're dealing into resale properties, or you are dealing with some buyers, right? So it means that for property, when we are talking about property, it means token ready properties means the properties which are at the market rate. Seller is not asking too much, it is at the market rate and it is presentable. मतलब वो प्रॉपर्टी इस सिचुएशन में है कि हम उसकी डील कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द ब्यूटी, जब तक कि वो प्रॉपर्टी का रेट मार्केट से नहीं, मतलब मार्केट के बराबर नहीं आ जाता। हाउ मेनी ऑफ यू डील इन रीसेल हियर? लेट मी फर्स्ट गेट एन आइडिया वेदर द ऑडियंस डील्स इनटू रियल इस्टेट और नॉट। हाउ मेनी ऑफ यू डील इन रियल इस्टेट हियर? जस्ट टाइप रीसेल, जस्ट टाइप रीसेल इन द चैट बॉक्स। रीसेल 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 रीसेल। ओके, सो पीपल हु आर डीलिंग इन रीसेल विल फाइंड आउट that there is a very big problem that seller is expecting 20% more than the market. So अगर मार्केट में 50 लाख का चीज है, मार्केट रेट 50 लाख है, तो वो बोलेंगे यार 60 लाख दिला दो, 57 दिला दो, 56 दिला दो। एंड वॉट हैपन्स, वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज लीड्स, एक्टिवली वर्किंग, राइट। वी स्टार्ट ब्रिंगिंग कस्टमर्स, वी स्टार्ट ब्रिंगिंग अवर गुड बायर्स, एंड देन बायर ऑल्सो गिव अस गाली कि यार क्या तुम 50 लाख की चीज को 60 लाख बोल रहे हो, राइट। सो उनपे ज्यादा काम करने से नुकसान क्या होता है कि जब आप ऐसी लीड्स पे काम कर रहे होते हैं तो आपका क्लोजर तो आना नहीं है, बिकॉज कोई भी, राइट, यू यू विल नॉट गेट अ बायर हु इज स्टूपिड एंड रिच। यू कैन ओनली क्लोज दिस डील व्हेन यू गेट अ बायर हु इज स्टूपिड एंड समबडी हु इज ऑल्सो रिच। तो ये कॉम्बिनेशन मिलना बड़ा मुश्किल है। यू विल फाइंड स्टूपिड्स बट दे विल नॉट बी रिच। पीपल यू विल फाइंड रिच, दे मे नॉट बी स्टूपिड। सो उसमें क्या होता है, ये डील क्लोज नहीं होती और हमारा बहुत टाइम जाता रहता है, राइट। वी कीप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम। सो इसीलिए जब आपके पास एक डेटाबेस होता है तो आप क्या करते हैं, ऐसे केसेस पे पूरे महीने में सिर्फ 2 से 3 घंटे काम करते हैं। मतलब कोई बायर आया तो आपने अपनी बाकी प्रॉपर्टीज दिखा दी, और ये प्रॉपर्टीज शोकेस प्रॉपर्टीज होती है। वी यूज देम टू कन्विंस द बायर दैट दिस इज द राइट प्रॉपर्टी। सो लेट्स से प्रॉपर्टी ए इज हाईली प्राइज्ड, प्रॉपर्टी बी इज राइटली प्राइज्ड। तो जो बी प्रॉपर्टी है वो प्रेजेंटेबल है, मतलब क्लीन्ड है, उसमें कोई लीकेज नहीं है, कोई सीपेज नहीं है, हमने 10,000 रुपए डलवा करके वाइट वॉश करवा दिए प्रॉपर्टी, उसमें पर्दे लगवा दिए हैं, लाइट्स लगवा दिए हैं, तो प्रॉपर्टी इज प्रेजेंटेबल, राइट, एंड इट इज एट मार्केट रेट। सो दैट मेक्स इट टोकन रेडी। व्हाट डज इट बिकम? टोकन रेडी। क्लियर गाइज द कंसेप्ट ऑफ टोकन? अच्छा, ये सब हमारे अपने जार्गन में, ये आपको अगर आप किसी और से जाके मार्केट में बोलेंगे टोकन रेडी प्रॉपर्टी तो ही विल नॉट बी एबल टू टेल यू, बिकॉज दिस इज लीजा होम सॉल्यूशंस वे ऑफ टॉकिंग टू ईच अदर। सो टोकन रेडी की डेफिनेशन इंटरनल है, इट इज लीजा होम सॉल्यूशंस इंटरनल डेफिनेशन। बट आप कंसेप्ट समझ गए, आप उसको कुछ और भी बुला सकते हैं, बट आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट? सो टोकन रेडी प्रॉपर्टीज वो हो गई जहां पे मार्केट का रेट सही है, सेलर मोटिवेटेड है टू सेल, और वो प्रॉपर्टी प्रेजेंटेबल है। ओके, इज इट क्लियर? तो हम लोग क्या करते हैं, आप जैसे ये मान लीजिए प्रॉपर्टी बी टोकन रेडी है, तो प्रॉपर्टी ए जितनी भी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं वो सब शोकेस प्रॉपर्टीज हैं। हम कस्टमर को ये प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं टू कन्विंस देम कि भैया ये प्रॉपर्टी आप खरीद। सो दिस इज
अ प्लेस वेयर वी नर्चर दोज लीड्स. जैसे मैंने आपको कल एक एग्जाम्पल दिखाया था कि वी आर इन टॉक्स विद द कस्टमर फ्रॉम अक्टूबर, अभी चल रहा है मार्च, 5 महीना हो गए, बट वी विल राइट. सो प्रेम एक्टिव डेटा मीन्स, इसे एक्टिव डेटा बेस मीन्स दैट डेटा बेस वेयर यू आर इन टच विद द बायर और द सेलर, बट दैट इज नॉट वेयर योर सेल इज गोइंग टू कम फ्रॉम. ओके, योर सेल इज नॉट गोइंग टू कम फ्रॉम एक्टिव डेटा, योर सेल इज गोइंग टू कम फ्रॉम टोकन रेडी डेटा, ऑल दोज लीड्स विच आर टोकन रेडी, जिनको आप दूसरी भाषा में हॉट भी बोल सकते हैं. बट उसका क्राइटेरिया क्या हॉट बोलने का, कि मार्केट रेट पे होना चाहिए, लैंडलॉर्ड जो है वो मोटिवेटेड होना चाहिए सेल करने के लिए, मतलब उसकी लाइफ में या तो वो ट्रांसफर हो रहा है, उसने घर बेचना है, उसको कहीं और घर खरीदना है, या बिटिया की शादी के लिए वो दूसरा घर खरीद रहा है कुछ तो, या मतलब देयर इज समथिंग विच इज मोटिवेटिंग द सेलर टू सेल, बिकॉज द सेलर्स मोटिवेशन टू सेल इज इक्वलेंट टू अवर कमीशन. अगर वो हाईली मोटिवेटेड नहीं है तो हमारा चांसेस टू मेकिंग अ सेल इज नॉट देयर, बिकॉज ही विल कीप आस्किंग फॉर अ हायर प्राइस. फिर वो मार्केट टेस्टर है, ही इज नॉट अ सेलर. सो अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन अ मार्केट सेलर एंड अ मार्केट टेस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इज इट क्लियर गाइज? सो नाउ कमिंग बैक, सो दिस इज वेयर द डेटाबेस गिव्स यू हेल्प. अभी हम क्या करते हैं मार्केटिंग में, हम सबसे बड़ी गलती जो करते हैं, हम केवल आज की लीड पे काम करते हैं. यस और नो? सी इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, योर सेल्स कॉस्ट विल रिड्यूस बाय हाफ. अभी आप क्या करते हैं, यू वांट टू क्लोज ऑन द डील्स विच आर हॉट राइट नाउ, बट यू लूज एंड यू लीव ऑल दोज वार्म लीड्स जो 2 महीने बाद क्लोजर पे आएंगी, 3 महीने बाद क्लोजर पे आएंगी. यू जस्ट इग्नोर देम, यू जस्ट डोंट टॉक टू देम. And you keep on looking for hot leads every month. You're not nurturing. Lizaam solution, we nurture those leads. वो हमको पता है कि ये हमारा इस क्वार्टर का बिजनेस है और ये केसेस नेक्स्ट क्वार्टर का बिजनेस है और मे बी ये केसेस उसके बाद के क्वार्टर का बिजनेस है, 9 महीने बाद का बिजनेस है. ये लैंडलॉर्ड को अभी 9 महीने लगेंगे टू सेल हिज प्रॉपर्टी. एंड दिस इज ओनली पॉसिबल वेन यू हैव अ एक्टिव डेटाबेस वेयर यू आर रिकॉर्डिंग द सीक्वेंस. And if your seller is reducing the price every 2 months, every 1 month, then whenever his price is as per the market, thak se jab pahuncha na, aap khat se close kar do. So you are waiting and watching ki price ghat raha hai. Seller is reducing the price. The moment it comes to the market rate, you say ki sir, laiye main close karta hu. Got it guys? Just type got it in the chat box. Ye marketing ka itna powerful aur simple, obvious sa cheez hai. I want got it in the chat box, right? ये इतना सिंपल और पावरफुल है कि ये करने से आपकी मार्केटिंग कॉस्ट आधी हो जाएगी. डोंट ओनली फोकस ऑन द लीड दैट इज क्लोजिंग दिस मंथ, डोंट वेस्ट फ्यूचर लीड्स. आप करंट मंथ का धंधा लीजिए और फ्यूचर का भी धंधा लीजिए, ठीक है ना?